वे आंखें कक्षा 11वीं आरओ इसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा, जो किसान हैं, जो कृषक हैं, जो खेती करते हैं, उनके शोषण, उनकी आर्थिक बदहाली का बहुत ही मार्मिक रूप से इस कविता में चित्रण किया गया है। मैं आपको इसके अभी तक आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूँ, उसके आगे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये काव्य खंड है, बिना दबा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना डुडमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसका मैं भावार्थ आपको बतलाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा यह कविता लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि पंत जी के द्वारा भारतीय कृषकों के शोषण व दयनीय दशा को वर्णित किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति का बेहद ही मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि गरीब किसान की पत्नी दवा के अभाव में चल बसी, यह सोचकर किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उचित देखरेख ना होने के कारण पत्नी की मृत्यु के पश्चात किसान की दुधमुही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। आगे कवि पंत जी कहते हैं कि घर में एक विधवा बहू बची हुई थी, जिसका नाम लक्ष्मी था, परंतु अफसोस कि उसे अपने पति की मौत का जिम्मेदार माना जाता था। एक ऐसा काला दिन भी आया जब गांव ने कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली। परिणाम स्वरूप किसान ने बहू कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अतः किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। दूसरा काव्य है, उसके बारे में बता रहा हूं। खैर पैर की जूती जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध पर सांप लोटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, परंतु शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदस बन जाती। इसका जो भावार्थ है, इसका कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के शब्दों में जो उन्होंने लिखा है, उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा जो कविता लिखी गई है उससे ली गई हैं।
प्रस्तुत कविता में कवि पंत जी के द्वारा जो भारतीय किसान हैं, जो कृषक हैं, जो खेती करते हैं, उनके जो शोषण है व उनकी जो दयनीय दशा है को वर्णित किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसानों की दयनीय स्थिति का बेहद मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि खैर किसान को पत्नी का मृत्यु पर शोक नहीं, क्योंकि वह उसे पैरों की जूती समान समझता है। एक के जाने के बाद दूसरी आ सकती है, पर किसान अपने जवान बेटे की मौत से बेहद दुखी है। उसकी छाती पर कष्ट रूपी सांप लौटते हैं। आगे कवि पंत जी कहते हैं कि जब किसान अपने सुखमय जीवन को स्मरण करता है तो उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशियों की चमक समा जाती है, पर जैसे ही अगले पल किसान अपने वर्तमान को देखता है तो उसकी दृष्टि में शून्य में गड़ जाती है और उसकी दृष्टि तीखी नोक के समान चुभने लगती है। इसके वे आँखें का जो मूल सारांश है, जो पूरा जो पाठ है, उसका जो महत्वपूर्ण जो भाग होता है, पूरे पाठ का जो सारांश होता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ या कविता वे आँखें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। युगों युगों से शोषण के शिकार किसानों का जीवन कवि को आहत करता है। कवि के अनुसार स्वतंत्रता पश्चात भी भारत में जो कृषक हैं, कृषकों के हक में तात्कालीन व्यवस्था या शासन की तरफ से कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया और किसान की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इस कविता में विकास की विरोधाभासी अवधारणा पर करारा प्रहार किया गया। प्रस्तुत कविता ऐसे ही दृश्यक में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। जो कविता है, जो काव्यखंड है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है और श्री पंत जी ने वे आंखें कविता में जो किसान की स्थिति है बहुत ही दयनीय है और उनकी स्थिति की जो मार्मिक चित्रण किया गया है, जो उनका शोषण हुआ है, जो उन पर अत्याचार हुआ है और उसके बारे में बहुत ही आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है किसानों की, उनके बारे में कोई भी ऐसा जो विकास होता है, जो तरक्की होती है, ऐसा कोई भी उनको सपोर्ट नहीं मिला है और उनकी स्थिति जो छोटे किसान हैं आज भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं राकेश पांडे आपको वे आंखें के बारे में पढ़ाया, समझाया, भावार्थ भी समझाया, सारांश भी समझाया और आगे मैं आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में बताऊंगा। और बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए
और कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।